चलिए क्वेश्चन तो क्रॉप कर लिया मैंने, पेस्ट करता हूँ इसको, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। तो बच्चों एक सर्किल बना लो, ये बन गया सर्किल, और यहाँ पर इसका सेंटर है, अननोन है, जो चीज़ मैथ्स में अननोन होती ना उसको मान लिया करो x, y। दो क्यों माने? क्योंकि बेटा सर्किल 2D है, 2D मतलब इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x का होगा एक y का होगा, तो दो पॉइंट मान लिए x, y अननोन है, और इसके ऊपर तीन पॉइंट बैठे हुए हैं सर्किल के ऊपर। एक पॉइंट बैठा हुआ है a, 6, -6, एक पॉइंट बैठा हुआ है b, यहाँ पर कहीं पर मान लो 3, -7, और एक पॉइंट बैठा हुआ है सी, दैट इज 3, 3। क्या फंडा लगेगा भाई? ये पॉइंट सर्कल का सेंटर पी मान लो इसको। अब इतना तो हर कोई जानता है कि सर्किल के सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस। और एक सर्किल की चाहे कितनी भी रेडियस हो, वो सब इक्वल होती हैं। मतलब एक रेडियस है पी ए, एक रेडियस है पी बी, और एक रेडियस है पी सी। मतलब बच्चों पी ए जो होगा और जो पी बी होगा और जो पी सी होंगे, वो तीनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि ये सब सर्किल की रेडियस हैं, इसलिए ये आपस में पी ए पी बी पी सी इक्वल होंगे। अब हमें निकालना है इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो बच्चों देखो, अब मैं यहाँ पर अगर इक्वेशंस लिखता जाऊँ पी ए पी बी पी सी की, तो मैं लिखता हूँ, देखिए P क्या है x, y, और A क्या है 6, -6। तो डिस्टेंस फार्मूले से पी ए का डिस्टेंस दिखाने के लिए एक सिंबल मॉड होता है बच्चों, वो मैं लगाना भूल गया था, ये मतलब होता है डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी टू ए इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी टू बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी टू सी। अब यदि इसको सॉल्व करूँ तो पी ए क्या बनेगा? x, -6 का स्क्वायर और y, +6 का स्क्वायर। ये देखो पी ए इक्वल टू क्या बनेगा? x, -3 का स्क्वायर + y, +7 का स्क्वायर, और क्या बनेगा? इक्वल टू x, -3 का स्क्वायर + y, -3 का स्क्वायर। ये बन गया, मतलब एक स्टेटमेंट बन गया जिसमें हमारे पास दो बार इक्वल साइन आ रहा है, एक ही बार एक ही बार। अब बच्चों हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एट टाइम दो लोग को ले लो, चाहे पी ए पी बी को ले लो, चाहे पी बी पी सी को ले लो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इस वाले को और इस वाले को ले लेता हूँ, ओके। सो आई कैन राइट कि भैया हम ले रहे हैं पहले दो को, टेकिंग पी ए इक्वल टू पी बी, x, -6 का स्क्वायर + y, +6 का स्क्वायर इक्वल टू x, -3 का स्क्वायर + y, +7 का स्क्वायर। ये ले लिया। अब क्या कर दो? सर रूट है, कैसे सॉल्व करें? बेटा रूट को हटाने का एक ही तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, x, -6 स्क्वायर y, +6 स्क्वायर इक्वल टू x, -3 स्क्वायर y, +7 स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों जी x² -12x + 36 + y² + 12y + 36 इक्वल टू x² -6x + 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्या लगा रहा हूँ मैं? फॉर्मूला लगा रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर +y² + 14y + 49। बच्चों x² से x² कैंसिल y² से y² कैंसिल। अब थोड़ा इसको एडजस्ट करो, xx वाली पार्टी एक तरफ लाओ, yy वाली पार्टी एक तरफ लाओ। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? -12x है, इधर -6x है, उधर आएगा क्या हो जाएगा? +6x। इधर +12y है, यहाँ पे क्या है? +14y। तो यहाँ आके हो जाएगा -14y, ओके, इक्वल टू यहाँ 9 है, यहाँ 49 है, और यहाँ पे कौन कौन है? 36 है। तो इधर जाके -36 और -36। चलो -12x में +6x ऐड हुआ, कितना बचेगा बच्चों? -6x। 12y में 14y ऐड हुआ तो कितना बचेगा? -2y।
इक्वल टू, चलो ये सॉल्व कर लो बच्चों, 49 + 9 कितना होता है 58, और 36 और 30x कितना 72, तो माइनस का 72 और प्लस का 58, तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से हट गया 4, ये बन गया 6 में से 1 है 14, तो बच्चों ये आ गया माइनस का 14। तो पहला इक्वेशन हमारे पास बन के आया क्या, -6x - 2y = -14। तो पहला इक्वेशन बना -6x - 2y = -14। बच्चों माइनस 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 3 जा 3x एंड 2 1 जा 2 इक्वल टू माइनस का 14। बच्चों 3x + y = -14 के अपॉन में जाने दो माइनस 2 को, माइनस से माइनस कैंसिल, कितने बार गया 7 बार, 3x + y = 7। ओहो, इतनी मेहनत करने के बाद ये हमारा पहला इक्वेशन आया है। चलिए पहला पार्ट नोट करो आराम से, चलिए सभी लोग नोट करिए, एक बार आंसर चेक तो कर लूँ मेरा इक्वेशन सही है कि नहीं है। क्या आया है इक्वेशन मेरा, 3x + y = 7। चलो चेक करता हूँ, बिल्कुल सही है भाई, 3x + y - 7 = 0, जिसको लिखोगे तो 3x + y = 7। चलो नोट करो इसको। चलो सभी लोग को नोट कर लेने दो, सभी लोग नोट करिए, डन बोल दीजिए फिर आगे बढ़े। डन सर। ओके चलो भाई ठीक है, डन सर। ओके अब देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, अब दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो अभी आपने किसको किसको लिया था, इसको और इसको लिया था। अब एक काम करो, लास्ट के दो को ले लो और मेरे को इक्वेशन बना के दिखाओ। चलो लास्ट के दो को ले लो, वही स्क्वायर करो और इक्वेशन बनाओ। अरे अब सही है, लास्ट के दो को ले लो और इक्वेशंस बनाओ। दूसरा इक्वेशन बनाइए यार, दूसरे इक्वेशन में एक बहुत बढ़िया चीज दिख रही है, x - 3² वाला पार्ट तो बेचारा कुछ करे बगैर ही उड़ रहा है, खत्म हो गया बेचारा। x + y = 7, दूसरा इक्वेशन केवल y में आएगा, y इक्वल टू समथिंग आएगा सॉल्व करने पे। क्योंकि x - 3 का स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा y + 7 का स्क्वायर = y - 3 स्क्वायर। -4 = 2y, इसका मतलब y = -4/2, मतलब y = -2, बिल्कुल सही बेटा, यही आ रहा है, देख लो y = -2। अब ये जो y की वैल्यू आई ना, इसको आप पुट कर दो इक्वेशन में, जो अपना ऊपर वाला आया इक्वेशन क्या है, 3x + y = 7 आया है, तो 3 × x + y की वैल्यू कितनी आई है, -2 = 7, तो 3x, इधर पे 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, तो x = 9/3, आंसर कितना हो गया 3। तो
तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3,2। तो सर माइनस टू। यस, 3,-2, सॉरी सॉरी, 3,-2। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास बना वो बना 3,-2। ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डन। और बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं बना बच्चों, सारे हो गए? स्नेहा, ऑल डन? स्नेहा, एक्सरसाइज कंप्लीट बेटा, बताओ, रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, चलिए तो ठीक है। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, अब आप लोग जो है डाउट निकालिए यार, एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ये काम में आएगी। कल मैं 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं आपको बताऊँ तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, और वो 11th क्लास की स्टार्टिंग में ही वो टॉपिक कल मुझे पढ़ाना पड़ा। तो जो लास्ट ईयर के बच्चे थे ना, उसको वो जो टॉपिक रिमूव किया गया था, तो वो मुझे फिर से उनको पढ़ाना पड़ा। तो हालांकि रिमूव तो हो जाएगा, तो टीचर को अगले साल पढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग ये नहीं सोचो कि मिसलेनियस नहीं आएगी ऐसा वगैरह, तो इस लोग कर लो, करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो मिसलेनियस भी कर लो, कुछ खास टफ नहीं है, आराम से बन जाएगी। चलिए तो ये कंप्लीट कीजिए काम, और अब मैं आपको दे रहा हूँ क्या, हाँ, स्वास्थ्य, ये बताइए बाकी बच्चे की बोर्ड्स के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन दिए थे मैंने, उसमें कितने क्वेश्चन बाकी हैं बोर्ड्स वाले क्वेश्चन में? 6 क्वेश्चंस बाकी हैं। तो चलो खत्म करो बोर्ड्स के क्वेश्चन, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन। हाँ हाँ, कौन सा डाउट है बताओ बेटा? सर, एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2, ये मतलब 7.2, ये तो कोई दूसरी एक्सरसाइज है? सेवन पॉइंट टू थर्ड क्वेश्चन। ओके, बता रहा हूँ बेटा, ओके, दिस इज 7.2 एक्सरसाइज एंड थर्ड, या थर्ड क्वेश्चन। आप अभी जुड़े हो क्या बेटा, अभी जुड़े हो क्या? बेटा मैं करवा चुका ये क्वेश्चन, आप जब भी इसका वीडियो रिलीज करूंगा तो देखना आप, अभी अभी मैंने करवाया, देखो बिल्कुल अभी करवाया मैंने ये। तो बस मैं इतना बता देता हूँ बेटा, ये देखो टोटल 100 मीटर है, तो 100 मीटर का पहली लड़की वो फिर 1/5 चली है, तो वो 1/5 कितना हो गया 100 मीटर का, सॉरी 1/4, 25। तो पहली पोजीशन बनेगी 2,25, और दूसरी वाली जो लड़की है वो चली है 1/5, तो 100 का 1/5 कितना होगा 20, तो दूसरा पॉइंट बन गया 8,20। बस इतना बना लो, इसके बाद तो बहुत ईजी है। सॉल्यूशंस दिए हैं ग्रुप में, देखो कैसे करना है, सॉल्व करो। चलिए तो जल्दी से कंटिन्यू करिए, जिनकी आरएस कंप्लीट नहीं है, मेन वर्क है हमारा प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस मेन टास्क है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द एरिया इन टू इक्वल एरियाज। बिल्कुल सही बात है, क्लास 9th में पढ़ा था हम लोगों ने कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। यस, मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाली, जो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो ये आपके पास में जो है ए पॉइंट है 4,-6, बी पॉइंट है 3,-2, बी पॉइंट इज 3,-2 एंड सी पॉइंट है 5,2, सी पॉइंट है 5,2। ओके बच्चों, इसका मीडियन निकालना हमें, तो मीडियन देखिए कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट निकालो, तो 3 + 5 = 8, 8 का हाफ 3 + 5/2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया, और -2 + 2 कितना हो गया, 0। अब तुम्हें करना क्या है भाई, तुम्हें ये शो करना है कि रिजल्ट डेट, इसमें आपको ये शो करना है इक्वल एरिया। तो कुछ नहीं बेटा, ए पॉइंट तो फिक्स है, ए पॉइंट तो गिवन है ना आपको, कितना गिवन है 4,-6। अब बेटा एक बार यहाँ लगा दो एरिया का फॉर्मूला, एक बार यहाँ लगा दो, आप देखना ध्यान से, दोनों एरिया इक्वल आएंगे। तो दोनों एरिया में फॉर्मूला लगाया, देखो बेटा, तो इधर वाला भी एरिया भी -3 आया है, तो डोंट वरी, अगर -3 एरिया आए तो आपको इसको +3 ही लेना है, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट द न्यूमेरिक वैल्यू। यस,
सी एल, तो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक बार देखिए 4,0 आ गया, एक बार इधर लगा दो फार्मूला, वही कौन सा फार्मूला, 1/2 बॉक्स लगा करके x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये जो है आप जो है ये फार्मूला लगा दो इस पर और एरिया इसका निकाल दो, इधर का दोनों का एरिया, और दोनों एरिया इक्वल आएंगे। सर एक चीज और बताओ, जो सेंट्रोइड का अपन जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अच्छा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पूछ रहे हो कि निकालते कैसे हैं, मेथड या फॉर्मूला? फॉर्मूला। ओके, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए x1, y1, ट्राइंगल की कोऑर्डिनेट है बी x2, y2 एंड कोऑर्डिनेट सी इज x3, y3। वेरी सिंपल, सेंट्रॉइड जो होता है ना इनके मीडियन का कट पॉइंट होता है, मतलब एक मीडियन ये आई, दूसरी मीडियन ये आई, तीसरी मीडियन ये आई, तीनों मीडियन जहाँ पे कट करती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जी सेंट्रॉइड x1 plus x2 plus x3 upon 3 एंड y1 plus y2 plus y3 by 3। सेंट्रॉइड ये होता है x1 plus x2 plus x3 by 3 एंड y1 plus y2 plus y3 by 3। जो आपके तीनों मीडियंस आपस में कट करती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तीनों मीडियन यहाँ पे आपस कट करती हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो फार्मूला नोट कर लो, x1 plus x2 plus x3 by 3 एंड y1 plus y2 plus y3 by 3। ठीक है गाइस, डन, समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर जो आपने बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जाम पेपर दिया था उसमें सर थर्ड क्वेश्चन डाउट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए तो बोर्ड्स का क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोर्ड्स के। ओके चलिए, समझ में आया कि नहीं है, एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास कह रहा है एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और एक पॉइंट P और Q को ब्रेक करने वाला कोई पॉइंट A है। कुछ ऐसा दिए सिचुएशन, PA/PQ = 2/5, तो PA/PQ = 2/5, तो एक आपने ले लिया 2K, एक ले लिया 5K, K से K कैंसिल, तो मतलब K लिख दिया अभी, तो फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है K से K कैंसिल करने की, यहाँ तो हमारी ज़रूरत है K को दिखाने की। तो PA हो गया 2K और PQ हो गया 5K, तो 5K में से 2K कट गए, तो इधर कितना बचा 3K, मतलब पी ए है 2K हिस्से का और ए क्यू है 3K का, तो रेशियो क्या आ गया 2:3। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब देखिए पॉइंट P क्या दिया गया है, 6, -6, और पॉइंट Q क्या दिया गया है, -4, -1। ओके अब हमको क्या है, A पॉइंट निकालना है भाई, पहले हम A पॉइंट निकाल लें। तो कह रहा फाइंड पॉइंट ए, तो चलिए पॉइंट ए निकालते हैं। तो इसको अच्छे से ब्लैंक वाले पेज में इसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये लीजिए आ गया है, तो लगा दो सेक्शन फार्मूला। ए के कोऑर्डिनेट चाहिए हैं x, y, तो पहला कोऑर्डिनेट x निकलेगा, दूसरा y निकलेगा। फार्मूला m1 x2, मतलब 2 × -4, मतलब -8 है ना, और ये -1 था ना बच्चों, -1 ही है, ठीक है ये -1 है, थोड़ा लिखने में अजीब सा लग रहा। हाँ m1 x2 m2 x1, 3 × 6 कितना हुआ +18 upon m1 plus m2, 2 + 3 बोले तो 5। चलो तीसरा देखो m1 y2, 2 × -1 becomes -2 एंड 3 × -6 becomes -18, 3 × -6 m2 y1 upon m1 plus m2 again it will be 5। 18 में से 8 गए 10 और डिवाइड बाई 5, तो भैया 2 बन गया, एंड यहाँ बन गए 20 और इधर आया 5, वो भी माइनस का 20, तो कितना आ गया 4 माइनस का। सो पॉइंट आ गया बच्चों 2, -4। हाँ बोलो बेटा, क्लियर है? सो पॉइंट आ गया 2, -4। तो जरा क्वेश्चन देखा जाए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ कह रहा है इफ पॉइंट पी लाइज ऑल्सो इन द लाइन, ओके तो के की वैल्यू निकालना है। अच्छा जी, जबरदस्ती एक
थ्री मार्क्स का हो गया होगा, 4 मार्क्स का करने के लिए एक और लाइन जोड़ दी, अच्छी बात है भाई, चलो निकाल देते हैं। कह रहा पी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, चलो पकड़ो इस लाइन को। पी पॉइंट कौन है? पी पॉइंट तो 6, -6 है। अरे यार थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनाना ही था, तो ए पॉइंट को लाई करवाते तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा रहता है ना, पी पॉइंट को लाई करवा रहे हो। चलो 6, -6 लाई कर रहा है पी पॉइंट के अपने पास, 6, -6। चलो देखते हैं आगे, ठीक है ये लो भाई। कह रहा है कि अगर जो पॉइंट पी है, पी पॉइंट कह रहा है ये लाइन में लाई कर रहा है, ये लाइन कौन सी है? इस लाइन का इक्वेशन है 3x + k y + 1 = 0। पॉइंट कौन सा है? पी। पी पॉइंट क्या है? 6, -6। अरे भाई अगर कोई पॉइंट किसी लाइन में लाई करता है ना, तो उसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब 6 कहेगा मैं x की जगह पे जाऊंगा, और -6 कहेगा मैं y की जगह पे जाऊंगा, तो k उगल देगा क्वेश्चन। तो 3 × 6 + k × y की जगह क्या आएगा? -6 + 1 = 0 मांगेगा। 3 × 6 = 18, और प्लस k इंटू कितना हो जाएगा? -5। गिवन -6 + 1 -5 = 0। सो 18 - 5k = कुछ गड़बड़ी हुई क्या? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 3 × 6 = 18। सो 5k इधर चला गया और 18 इधर आ गया। सो आंसर k = नोट करें बच्चों, 18/5। ये बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, आप सभी को दे दूंगा मैं भी, बैक टू बैक क्वेश्चन हैं बोर्ड्स में आए हुए, मैंने सारे कलेक्ट करे हैं, पेपर से अरेंज करे हैं, ये पूरे बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं 23 लास्ट ईयर के, आपके कोविड के पहले जो पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन हैं। चलो नोट करो। सो k = 18/5। डन सर। और कोई डाउट? No, अब रही बात आंसर मैच करने की, कहोगे ना सर आंसर्स मैच करवा दो, कौन कौन कोई ऐसा बच्चा है जो पूरे कर लिया हो, इसके पास आंसर्स हो, या कुछ बच्चे हैं अभी बोर्ड्स वाले क्वेश्चन? ठीक है तो उसको पूरे, ठीक है तो उसको पूरे कर लो, कल इसके आंसर्स मैच करा लेते हैं ना। यस सर।